अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू रेसिपी फ्रॉम द हाशिमाइट किचन। आज की इस रेसिपी बहुत सिंपल है, आलू के मसाले, आलू की स्लाइस से बनने वाली टिक्कियाँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इस आलू के मसाले को मैं थोड़ा सा तड़का दूंगी। तेल में मैंने एक छोटा चम्मच राई का दाना, कड़ी पत्ता और जो मैश किए हुए आलू हैं वो मिलाया है। इस आलू के तड़के को पूरा करने के लिए मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी, नमक, दो हरी मिर्च और थोड़ा सी धनिया पत्ती। इस मिक्सचर को अच्छे से पका लें और उसको साइड में ठंडा होने दें। एक दूसरे बाउल में मैंने एक कप बेसन लिया है, जिसमें मैंने एक नमक मिलाया है और एक छोटा चम्मच हल्दी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैं बैटर बनाऊंगी। बैटर थोड़ा सा थिक चाहिए हमें, ताकि ये आलू की स्लाइस को अच्छी तरीके से पकने में मदद करे। तो जो बेसन का बैटर है वो थोड़ा मोटा रखिएगा। मैंने एक तरफ तेल भी गरम कर लिया है, क्योंकि मुझे जो आलू का टिकिया बनाना है उसको मीडियम फ्लेम पे डालना है। इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इस बैटर में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है और उसके बाद इस बैटर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। एक आलू का स्लाइस, इस आलू के स्लाइस को थोड़ा सा धो लीजिए और इसमें जो भी पानी है उसको सोक कर लीजिए, सुखा लीजिए। उसको सुखाने के बाद ये बैटर इसके ऊपर लगाइए। आप जैसा बैटर लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं, आप ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगा सकते हैं, पतला लगाना चाहें पतला लगा सकते हैं। तेल का जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि हमें जो स्लाइसेस है वो पकना ज़रूरी है। आलू का जो बैटर है वो तो ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो हमने स्लाइसेस लगाए हैं वो पकना ज़रूरी है। इसकी वजह से जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम रखिएगा और कम से कम 3 मिनट में ये आलू के जो स्लाइस है वो अच्छे से पक जाएंगे। तेल से टिक्कियाँ निकालने के बाद उसको इमीडिएटली नहीं खाइएगा या सर्व नहीं करिएगा गरम गरम, कम से कम 5 मिनट के बाद करिएगा, ताकि इसकी गर्माहट से भी वो आलू थोड़ी देर पक जाता है अंदर। तो ये ज़रूरी है कि आलू कच्चा नहीं हो और हमारी जो टिक्कियाँ है वो परफेक्ट उतरे। मैंने लहसुन, हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाई है और प्लस टमाटो केचप। इसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और ऑप्शन है चटनी में, या फिर कुछ और रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा था और ये जो अंदर जो आलू है, आलू के स्लाइसेस, उसके साथ इस बैटर को खाने में काफ़ी मज़ा आता है। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक शेयर करिएगा मुझसे। बस ये थी मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।